अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप थंबनेल किसी भी वीडियो का हो, लाजमी नहीं है कि YouTube के लिए, सिर्फ YouTube में थंबनेल नहीं चलता, हर जगह चलता है। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा तुम थंबनेल यानी जो तुम्हारी वीडियो की जो सबसे पहले पिक्चर दिखती है, तस्वीर दिखती है, वो किस तरह बना सकते हो, वो भी अपने एक सेल फोन के जरिए। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी प्यारी प्यारी थंबनेल बना सकते हो। तो आज की वीडियो में उन्हीं ऐप से एक बेहतरीन ऐप आपके लिए लेकर आया हूँ जो मैं आपको बताऊंगा। अब तुम बोलोगे कि तुम्हारे थंबनेल तो फजूल से हैं, तो तू पहले जाके सीख। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाता हूँ, खुद नहीं सीखता, और आज की वीडियो में तुम्हें सिखाऊंगा, खुद नहीं सीखूंगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड आज की वीडियो को। दोस्तों एप्लीकेशन का नाम देख लो, प्ले स्टोर से जाके फ्री में डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आपने सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे करोगे ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो है इसके ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जी रेडीमेड, आपको क्रिएट कुछ खुद करना है या माई सेव जो इमेजेस हैं वहाँ से करना है। तो आपने क्या क्लिक करना है, इसको एड्स को क्लिक करते हैं और हम जाते हैं बैक पे। यहाँ पे रेडीमेड जो लिखा हुआ है, रेडीमेड इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आपने जस्ट इसको क्या करना है, अपने जो है उसके चेंजिंग करनी है। जैसे थंबनेल पे यूट्यूब पे थंबनेल पे क्लिक करें और यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी, भाई आपका चैनल किस कैटेगरी का है या जो आपकी वीडियो किस कैटेगरी की है। वहाँ से जैसे आपका डांस का है या न्यू टेम्पलेट्स हैं, बिजनेस का है, ट्रैवलिंग है, इसमें कुकिंग भी है, समर का देख लें, गेम्स देख लें, फैशन, हम गेम की बात करते हैं। तो यहाँ पे गेम आप जो है सी मोर में कर लें। सी मोर करने के बाद आपको डिफरेंट इसके जो है टेम्पलेट्स मिल जाएंगे डिफरेंट गेम्स के। अब यहाँ पे आपने सब, फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये डाउनलोडिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट हो जाएगा, ये कुछ सेकंड लगाएगा, वो थंबनेल डाउनलोड हो जाएगा, सारी की सारी इसकी जो है चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। और आपने क्या करना है उसको, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हर सिंगल जो चीज़ है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, आप इसके जो फॉन्ट्स का जो है कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे इसको डबल टैप करते हैं और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं जो मेरे चैनल का नाम है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसी तरह सेम टू सेम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इसका जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ से ये जो अभी गन लगी हुई है इसको भी जो है आप चेंज कर सकते हैं, कुछ और आपने लगाना चाहते हैं इफेक्ट वो भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी है या वो जो शेड आ रहा है वो आपको चेंज कर सकते हैं, इसकी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेयर्स हैं सारी, ये लेयर्स को आप लॉक कर सकते हैं, उसके अलावा जब लॉक हो जाएंगी तो वो आपको जो है चेंज नहीं कर सकते। और ये सेम टू सेम, अगर आपको एडोब फोटोशॉप थोड़ा सा भी चलाने आता है ना तो आपको ये चीज़ें समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब जो वन है इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। अब ये वन पे देखिए, मैं अगर क्लिक करूँगा यहाँ पे तो वन जो है वो क्लिक नहीं हो, सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये लेयर जो है वो लॉक हो गया है। अभी इसी तरह मैं लेयर को अनलॉक करता हूँ और वन पे क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, कलर स्पेस हो गया, ओपेसिटी हो गई, शेडोज़ हो गया, आउटलाइन बॉर्डर्स। अगर मैं मिसाल के स्टिकर्स लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट स्टिकर्स आ जाएंगे, वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेजेस डाल सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं, अगर आपको इफेक्ट्स चाहिए तो आप ये देख लेते हैं, ये इफेक्ट्स देखें, यहाँ पे इफेक्ट्स आ जाएगा। इसी तरह आप ये देखें, पीछे देख रहे हैं इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो आप इस तरह के बैकग्राउंड जो है ना, या सिंपल लगाना चाहते हैं कुछ और बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं, अपने भी आप डाल सकते हैं। और सिंपल आपने सब कुछ चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, सेव करना है यहाँ पर क्लिक करके, और आपका जो थंबनेल है वो 180x720 HD में, मतलब 120x720 उसका जो होता है वो रिजोल्यूशन में आपकी जो है थंबनेल सेव हो जाएगा। और डायरेक्टली आप अपने यूट्यूब के या किसी वीडियो के जहाँ पे थंबनेल आपको ज़रूरत होता है वहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ तो समझ आ गई वीडियो की, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को शुरू से देख लो, मैं दोबारा नहीं बताने वाला। एप्लीकेशन का नाम नोट कर लिया, सब कुछ नोट कर लिया, अब जाना नहीं, जाने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के जाना। मुझे नहीं पता जितने ज़ोर से दबाओगे उतनी ज़्यादा ज़ोर से इसकी आवाज़ आएगी और इसकी चीख निकलेगी, साथ में घंटी भी दबा देना चाहिए, मुझे भी पता चले तुमने बटन दबा दिया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में या कल की वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना आजकल के सिचुएशन में, जो आपको पता है मुल्क की कंडीशन है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Oh, 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 oh